विधानसभा चुनाव को साकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व आबकारी विभाग के द्वारा कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस व आबकारी विभाग के द्वारा कहीं पर भी कच्ची शराब बनने व बिकने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पर कच्ची शराब बन रही है व बिक रही है, उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में 7,000 से ज्यादा की कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की है, जिसका मूल्य 20 लाख से ज्यादा है और 260 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 गैंगस्टर के मामले भी दर्ज किए गए हैं। इसके साथ जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्ति को भी सीज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रेक्षक व आबकारी टीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है व छापेमारी की जा रही है, जिससे भारी संख्या में कच्ची शराब के ठिकानों को नष्ट किया गया और इन कार्यों में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनका हिस्ट्री सीट भी खोला गया, उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। यदि किसी व्यक्ति को कच्ची शराब बनाने व बेचने की कहीं सूचना प्राप्त होती है, तो वह तत्काल 112 व अधिकारियों के नंबर पर सूचना देकर बताए, उनकी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, 15 नीचे मालवा नहीं दिख रहा। चुनाव के दृष्टिगत लगातार छापेमारी की जा रही है, इसके लिए क्या करना है? चुनाव के दृष्टिगत पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा जो अवैध शराब की कार्रवाई है, कहीं पर भी अगर सूचना पाई जाती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। साथ ही जो खादर के क्षेत्र हैं या जहां पर ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त होती है जहां ऐसी कच्ची शराब बन रही है या बिक रही है, उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाती है। पिछले एक महीने में लगभग 7,000 लीटर से ज़्यादा शराब पुलिस ने बरामद की है और इसके बाज़ार मूल्य 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। 260 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 गैंगस्टर के मामले दर्ज किए गए हैं अवैध शराब में, और इसमें 1.25 करोड़ के लगभग गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति भी पुलिस द्वारा सीज की गई है। साथ ही पुलिस द्वारा और ऑब्जर्वर महोदयों साथ आबकारी टीम लेकर ड्रोन के मदद से जो खादर का क्षेत्र है उसका लगातार भ्रमण किया जा रहा है और छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते जो अवैध शराब के ठिकाने हैं उनको काफ़ी भारी संख्या में नष्ट किया गया है और लगातार ये कार्यवाही जारी है। जो मुख्य लोग इस कार्य में लिप्त हैं उनका हिस्ट्री शीट भी खोला गया है, उन्हें जेल भेजा गया है, उन पर गैंगस्टर करके गुंडा अधिनियम के तहत उनको जिला बदर भी करवाया गया है और ये सभी कार्यवाही पुलिस द्वारा जारी है। यदि कहीं कोई सूचना भी प्राप्त होती है पब्लिक को, तो वो अधिकारियों के नंबर पर या 112 नंबर पर सूचना करके पुलिस की सूचना दे सकते हैं और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी।